मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, मतलब बहुत डिटेल में, क्योंकि सो आप लोगों को पता ही है कि मेरे कॉलेज का ट्रिप था और ये ट्रिप आई गेस 4 या 5 डेज का था, 4 5 भाई। तो ये जो बात है ये है 6th of Jan की। एक्चुअली हम लोग 5th Jan को दोपहर को टेंट में रहने गए थे, टेंट में। तो 6th of Jan को सुबह क्या हुआ, सुबह हम लोग टेंट से निकले और हम लोग फर्स्ट डे एक होटल में थे, देन एक टेंट में, देन वापस एक होटल में। तो वो मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं बता सकता। तो क्या हुआ, हम लोग टेंट से सुबह 8:15 या 8 को निकले एंड वहाँ से हम लोग गए गढ़ीसर लेक 6th of Jan को। वहाँ से हम लोग गढ़ीसर लेक गए। गढ़ीसर लेक जाने के बाद वहाँ पे हम लोग 12:30 या 12 तक थे। हाँ, आई गेस 12:30 तक थे, क्योंकि मेरे को याद है कि मिस ने बोला था कि 12:30 को बस में आओ। तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा इधर, ना ही कॉलेज को ना ही किसी टीचर को। तो मैं बस बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और एक्चुअली मैंने पहले भी सुना था कि ये सब चीज़ें नॉर्मल है उस जगह पे, राजस्थान में, तो ठीक है। बट मेरे साथ जो हुआ वो पता नहीं, मेरे साथ पहली बार हुआ तो मैं हो गया हूँ। तो क्या हुआ, फिर गाड़ी सर लेकर 12:30 को हम निकले। वहाँ से हम लोग एक फोर्ट गए, मेरे को फोर्ट का नाम नहीं याद। वो फोर्ट पर मैंने शॉपिंग किया, मेरे को इतना याद है। तो मैंने नहीं किया, मैंने बस मम्मी पापा के लिए लिया जो लेना था, बाकी कुछ लिया नहीं मैंने। तो वहाँ पे शॉपिंग के लिए लेके गए थे और वहाँ से फिर हम लोग 5:30 को कुछ निकले। हाँ, 5:30 को निकले। 5:30 को निकलने के बाद हम लोग गए दूसरे होटल में, मतलब वो पैलेस में। हाँ, ब्रीदीन। तो वहाँ पे क्या हुआ, पैलेस में जाने के बाद, होटल एंटर करने के बाद, वहाँ पे हम लोग को एक्चुअली हुआ क्या, सबसे पहले हमारा बस आया, बस नंबर 5। तो बाकी बस सब पीछे थे और मेरे जो रूममेट्स थे वो सब बस नंबर 3 में थे। तो और मेरे फ्लोर पे मोस्टली बॉयज़ ही थे और हमारे बस का कोई था नहीं। तो हुआ क्या, मैं सबसे पहले आया, हमारा बस सबसे पहले आया। तो हम लोग को वहाँ पे, हम लोग आई गेस 6:30 को वहाँ पे पहुँचे और 6:30 को हम लोग को बोला कि तुम लोग कॉफ़ी या चाय, जो भी ब्रेकफास्ट था बीच का, वो कर लो। उसके बाद आधा 1 आवर का ब्रेक होगा, उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे डीजे नाइट के लिए। तो हुआ क्या, 6th of Jan एक कितने बार बोलूँगा, हाँ, फिर मेरा बस पहले आया। तो मैं गया और मेरे दोस्त जो थे वो लोग अलग फ्लोर पे थे, जो मेरे बस में जो थे वो लोग 4th फ्लोर पे थे। 4th फ्लोर पे उन लोग का रूम था, मेरे फ्लोर पे नहीं था, मेरा आएगा 2nd फ्लोर पे था। तो फिर मैंने चाय पिया, आएगा हाँ चाय पिया। देन चाय पीने के बाद कुछ तो खाया, उधर था मेरे साथ देव था, मेरे को याद है देव था मेरे साथ, क्योंकि देव BMM डिपार्टमेंट से, तो वो मेरे ही बस में था। और मेरे जो रूममेट्स है वो है BMS डिपार्टमेंट से, तो उन लोग का बस नंबर 3 था, हमारा 5 था। तो हुआ क्या, मैंने सब ब्रेकफास्ट कर लिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर गया, मतलब ऊपर गया नहीं, एक्चुअली मैं हुआ क्या, मैं सोचा कि मैंने रूम का टूर नहीं दिया अच्छे से, मैंने रूम टूर नहीं दिया है उस होटल का, नाम बोलने वाला था, तो उस होटल का मैंने रूम टूर नहीं दिया था। तो मैं सोचा कि एक काम करता, रूम टूर देता हूँ। तो रूम टूर देते, मुझे याद है कि चाबी तो है मानस के पास, तो मानस था बस नंबर 3 में। तो जैसे मेरा कॉफ़ी पी के हो गया तो मैं रुका, तो वो लोग जैसे हुआ मैं बाहर जा रहा था वहाँ से, और वो होटल के जगह से, मतलब जहाँ पे हम लोग खाते हैं वाते हैं वहाँ से, तो वहाँ से मैं बाहर जा रहा था, तब वो लोग आए तीनों, मानस, वेदांत और पार्थ, तीनों आए। मैंने बोला मानस को कि मैं ऊपर जाता हूँ, मेरे को चाबी दे, मैं ऊपर जाता हूँ। मैंने उन लोग को ये नहीं बोला था कि मेरे को व्लॉग बनाना है, सब मैंने बस बोला था कि चाबी दे, क्योंकि ऐसा इंट्रोवर्ट टाइप फील हो रहा था, पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं मेरे को ऐसा इंट्रोवर्ट फील होता है अभी व्लॉग करने में, क्योंकि अभी भी स्टार्ट किया है। तो फिर हुआ क्या, मैं सोचा कि क्योंकि अकेले रहूँगा रूम में तो मैं अच्छे से व्लॉग कर पाऊंगा। तो फिर हुआ क्या, ऊपर गया मैं, ऊपर पूरा फ्लोर शांत था, ठीक है, तो शांत था। एंड देन मैंने डोर खोला, सब नॉर्मल था, सब शांत था, क्योंकि हीटर लगा था अंदर, तो कुछ आवाज़ इतना आ नहीं रहा था। और फिर मैंने स्टार्ट किया व्लॉग करना, तो मैंने पहले ना फ्रंट कैमरे से किया। तो फ्रंट कैमरे से करते वक्त हुआ क्या कि मेरा जो ये है ना फ्रंट कैमरा है, उसका जो स्क्रीन गार्ड लगाया है वो थोड़ा ना, मैंने वो गोल वाला लगाया जिसपे कैमरा पे गोल होल होता है, तो वो वाला लगाया। तो वो लगाते वक्त ना, आई गेस ये मैंने ट्रिप के पहले ही लगाया, तो मैं घाई घाई में लगाया। तो फिर मतलब मैंने नहीं, ऑब्वियसली वो जो शॉप में गया था उधर, तो फिर वो मैं देखा नहीं, चेक नहीं किया बाद में। और हुआ क्या कि
वो जो गोल है ना वो थोड़ा सा कोने से कैमरा के ऊपर है, तो वो उसका वो आ रहा था, कर्व आ रहा था। तो मैं पूरा रिकॉर्ड किया, 5-6 मिनट पूरा रूम टूर दिया, 5-6 मिनट नहीं 4-5 मिनट, हाँ, तो रूम टूर दिया। देन मैं वीडियो देखा, तो देखने के बाद मुझे पता चला कि यार वो आ रहा है, कब आ रहा है। तो मैं सोचा कि एक काम करता हूँ, होटल में बहुत सारे शीशे थे, मिरर्स थे, तो मैं सोचा कि मिरर में देख के बोलता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, वापस फ़ोन लिया, वापस मैंने बैक कैमरा चालू किया, बैक कैमरा से शूट करना चालू किया। शूट करते टाइम एक्चुअली हुआ क्या कि मैं डोर के पीछे एक कबर्ड था, मैं गया अंदर डोर के पीछे वाले कबर्ड पे कुछ बोला, एंड देन मैं गया वॉशरूम में, क्योंकि वॉशरूम डोर के लेफ्ट साइड में ही था। तो गया अंदर मैं, अंदर ये क्या था, हाँ, अंदर एक मिरर के सामने जो वॉशरूम में होता है वहाँ पे मैं बोल रहा था। तो बोलते बोलते वहाँ पे एक हेयर ड्रायर भी था, तो मैं हेयर ड्रायर भी बता रहा था। हेयर ड्रायर बताते बताते मैंने हेयर ड्रायर लिया और लगाया सर पे, मतलब ऐसे बता रहा था ऐसे व्लॉग में बजे से बात करते नॉर्मली, क्योंकि घर में कोई था नहीं, तो मेरे को ऐसे लगा कि घर में कोई रहेगा नहीं तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगा, इसीलिए मैं अकेले ऊपर आया। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव था, क्योंकि मेरे को अच्छे से रूम टूर देना था, इसीलिए मैं बस अकेले आया, वरना मैं अकेले आता भी नहीं। तो फिर हुआ क्या, मैं हेयर ड्रायर लिया, हेयर ड्रायर मैं लगाया, ऐसे मतलब बता रहा था कि हेयर ड्रायर भी है इस रूम में ये वो। तो बताते बताते मैंने हेयर ड्रायर जैसे ही रखा, वहाँ से डोर नॉक का आवाज़ आया। तो मेरे को ऑब्वियसली तब क्या क्लिक होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे को तब ये क्लिक हुआ कि ये लोग आए होंगे, मतलब मेरे रूममेट्स जो तीन हैं। तो मेरे को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि मैं पहले से ही वीडियो फ्रंट कैमरा से शूट कर लिया था। तो शूट करने के बाद मेरे को मतलब उसमें 4-5 मिनट चले गए थे, और फिर ये वीडियो भी चालू किया था, तो फिर मतलब ये मतलब वो बैक कैमरा वाला, तो फिर बैक कैमरा वाला चालू किया था। तो उसके बाद मैं सोचा कि मतलब पहले से 4-5 मिनट चले गए, और ये 1 मिनट इसमें चले गया था पहले बोलने में, तो फिर मतलब 5-6 मिनट में ऑब्वियसली कोई भी चाय पी के आ ही जाएगा। तो फिर मेरे को लगा कि ये लोग आए, तो फिर मैंने डोर खोला, मतलब मैं गया, लिटरली मैं डोर के बाजू में ही था, ठीक है। और तो फिर क्या हुआ, 5-6 मिनट बाद तो कोई भी चाय पी के आ ही जाता है। तो फिर मेरे को क्या लगा, ऑब्वियसली मेरे को ये क्लिक हुआ कि ये लोग ही होंगे। तो फिर मैं क्या किया, आई गेस 3 सेकंड था, सिर्फ 3 सेकंड का टाइम था, मैं हेयर ड्रायर बताया, हेयर ड्रायर रखा, रखने के बाद ठक ठक आवाज़ आया, और मैं बाहर गया वॉशरूम के, डोर खोला, और मैं बोला कि ये लोग आए हैं, क्योंकि मेरे को ऑब्वियसली वही लगेगा कि 4-5 मिनट हो गए तो यही लोग हो गए, और कौन डोर खटखटाएगा, तो कोई दूसरा दोस्त होगा। तो फिर डोर खटखटाया, लेजिट सामने कोई नहीं था, तो मेरे को क्या लगा कि राइट में छुपा होगा मेरा दोस्त, जो डराने के लिए करते हैं ऐसे ऑब्वियसली, क्योंकि 2-3 दिन से डराने के लिए हम लोग ट्राई कर ही रहे हैं हम लोग एक दूसरे को। तो फिर मेरे को क्या लगा कि राइट में वो छुपा रहेगा, तो मैं राइट देखा, राइट में कोई नहीं था, हमारा रूम था सेकंड लास्ट, वो रो में सेकंड लास्ट था, और हमारे आगे एक रूम था, एंड हमारे ये साइड बहुत रूम्स थे वो साइड लेफ्ट साइड। तो फिर यहाँ पे देखा कोई नहीं था, तो मेरे को लगा ऑब्वियसली लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में देखा, लेफ्ट में पूरा फ्लोर खाली, और हमारा बहुत ऐसा भी नहीं टाइम था कि मतलब कोई इतने टाइम में सीढ़ियों तक भाग के जाए, इतने टाइम में मैंने डोर खोला या कोई छुपे, क्योंकि पूरा ओपन ग्राउंड, ओपन था वो स्पेस, और वो स्पेस ऐसा था कि कोई भागेगा या चलेगा बिना उसका आवाज़ गूंजता है। तो फिर 3 सेकंड में कौन क्या ही कर लेगा, और डोर किसने खटखटाया, फिर मतलब ये सब व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ है, वो वीडियो में अभी बता रहा हूँ, तो देखो। वो हमारा ऐसा है इस पैलेस का, यहाँ पे है वॉशरूम, वॉशरूम में यहाँ पे हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर, अभी डीजे के लिए जाने के, अभी डीजे के लिए, ए हाँ, हेलो हेलो, ये आ गए, डूड ब्रो, तफ डोर बजा था। फिर ये हुआ क्या, इसके बाद बहुत लोगों के फेक लगेगा, क्योंकि बोल सकते हैं कि तूने बोला होगा दोस्त को डोर नॉक करने का, और वो भाग गया होगा अपने रूम में बाजू वाले, बट टू बी ऑनेस्ट वो फ्लोर पे मैं सिर्फ अकेला ही था, और कोई दोस्त या कोई बाजू के रूममेट्स भी आए नहीं थे, क्योंकि मेरा बस बहुत जल्दी आया था। तो फिर हुआ क्या, फिर मैंने जब मेरे तीन दोस्त आए, तीन दोस्त आने के बाद मैंने उन लोग को ये बोला, और ना सुबह से दो चीज़ें ऐसी हुई थी, मतलब सबसे पहले क्या हुआ था, वो पार्थ के वॉलेट के साथ कुछ तो हुआ था, और दूसरी चीज़ हुई थी दूसरे दो दोस्त थे मेरे रूममेट्स उन लोग के साथ, बट वो एक्सेप्ट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हुआ क्या था,
मेरे एक दोस्त ने उसका चश्मा रखा था एक वुडन के इस पे, क्या बोलते हैं, टीपर टाइप था, उस पर रखा था। और फिर क्या हुआ, हम लोग को निकलना था लंच के बाद इसके लिए, फोर्ट के लिए, बराबर। लंच के बाद फोर्ट के, हम लोग सुबह गढ़ीसर गए, देन लंच के लिए होटल में है, देन वापस फोर्ट के लिए निकलना था। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, ऐसे ही था कुछ तो, हाँ ऐसे ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि वो हुआ कब था, बट सुबह के टाइम पे हुआ था इतना मेरे को याद है। कभी आई गेस जब होटल एंटर किए थे तब हुआ था या बाद में, देखो वो नहीं याद। तो फिर हुआ क्या, वो दोस्त ने मेरा, उसका गॉगल था, तो वो दोस्त बोला कि मेरा गॉगल दे, तो जो मेरा दूसरा रूममेट था उसने गॉगल उठाया और उसको दिया। वो जैसे ही दिया उसको, उसको जब टच, मतलब दोनों ने जब गॉगल को टच किया, मतलब उसने एक हाथ से पकड़ा और ये इसने जब लिया, दोनों को करंट लगा। तो वो स्टैटिक एनर्जी की वजह से हो सकता है वहाँ पे, वो उसका कुछ नॉर्मल है, बट स्टिल हम लोग को इतना जोर से आ जाए ना, मतलब चार जन थे लोग रूम में, दो जन के साथ हुआ और हम लोग दो जन बचे थे, मैं और मेरा दूसरा रूममेट, चौथा रूममेट। तो वो हम लोग बेड पे बैठे थे, हम लोग को लेजिट आवाज़ आया करंट का कि, और वो लोग भी चश्मा नीचे गिरा दिया क्योंकि दोनों को करंट लगा। तो फिर वो भी कुछ अजीब था, बट ये सब लोगों ने मिस को बोला तो मिस बोली कि स्टैटिक वैटिक हुआ, तो मैं बोले छोड़ फिर, वो जाने दे। बट जो रात को हुआ फिर पता था अभी। तो फिर क्या हुआ, मेरे जब तीन रूममेट्स अंदर आए रूम में आने के बाद मैंने उनको बोला कि ब्रो ये रूम में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सुबह से दो चीज़ हुए थे। पहला चीज़ थोड़ा था ठीक ठाक, इतना कुछ ये नहीं था, बट वो भी वैसा ही था, वो मैं बताऊंगा नहीं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, और ये स्टैटिक एनर्जी वाला तो मैं बता दिया। तो फिर उनको मैं बोला, वो पूछे मेरे को कि क्या हुआ, तो फिर मैं बोला कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो फिर वो बोला झूठ बोल रहे थे। तो ना मेरे को तब, मैं ना बहुत ज़्यादा मेंटली ना मेरे को कुछ समझ नहीं आता तब, क्योंकि अंदर से मेरे को ऐसे डर लग रहा था। तो फिर मेरे को तब याद आया कि मैं तब व्लॉग कर रहा था, मतलब मैं तब ये कर रहा था, शूट कर रहा था, तो मैं चिल्ला के बोला रुक मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग पहले मैं खुद देखा, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि रिकॉर्डिंग में आवाज़ आया है कि नहीं। तो फिर मैं रिकॉर्डिंग देखा, रिकॉर्डिंग में डोर नॉक का आवाज़ आया था। तो फिर मैंने वो बताया मेरे दो रूममेट्स को। एक रूममेट था ना जो वो अपोज कर रहा था पूरा टाइम अपोज कर रहा था कि तू झूठ बोल रहा है, तो डराने के लिए कर रहा है। हाँ, तो फिर जो अपोज कर रहा था उसने मेरे को बोला कि तू पूरा वीडियो क्यों नहीं लिया वो फ्लोर का कि कोई नहीं है। तो फिर मैं बोला ब्रो, मेरे को पहले से देख के मैं शॉक हो गया कि ब्रो बाहर कोई नहीं है, लेजिट में 3 सेकंड बाद डोर खुला, बाहर कोई नहीं है, मैं क्या करूँ, मतलब मेंटली मैं क्या ऐसी वीडियो दिखाऊँ कि यहाँ पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई भूत नहीं है, ऐसे बताओ क्या, नहीं ना ऑब्वियसली। तो मेरे को इतना डर लगा, फिर मैं क्या किया, मैं बस डोर खोला, फ़ोन मेरे हाथ में तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ब्लॉक कर रहा था, बट डोर खोला मैं पहले चेक करूँगा ना कि ये लोग आए हैं। तो फिर मैं फ़ोन नीचे किया, डोर खोलने के बाद देखा, मैं ऐसे देखा, मैं थोड़ी ऐसे पूरा बॉडी मूव करूँगा, मेरे से पहले से फटी थी। फिर मैं इधर देखा, देन इधर देखा, मैं ऑब्वियसली मेंटली देखा रहा, तो मैं ऑब्वियसली ये नहीं बताऊंगा कि ब्रो व्हाट द हेक, इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं है, ऐसे बताऊंगा तो मैं ऑब्वियसली कुछ अलग ही लगता। तो फिर जो मेरे को उस टाइम उस सेकेंड पर जो मेरे को क्लिक हुआ, जो मेरे बॉडी ने वर्क किया, जो मेरे को लगा, वो मैंने किया। मैंने क्या किया, बाहर देखा, इधर उधर फट गई, मैंने डोर बंद कर दिया अंदर आके, और लेजिट तब मेरे को समझा ही नहीं कि क्या करूँ मैं, क्योंकि मैं नीचे जाने में भी डर लग रहा था। फिर ये सीन हुआ, एंड देन रात को फिर बॉर्न फायर था, और उधर सब लोग घोस्ट का स्टोरी वोरी बता रहे थे। तो फिर उधर एक्चुअली मैं ऐसा बताने नहीं वाला था, क्योंकि होटल के बारे में था उसी, तो उन लोग को भी डर लग सकता था। बट मेरा जो दोस्त था जो मेरे को अपोज कर रहा था, वो मेरे को बोला, वो ऐसे चिल्ला के बोला एक्चुअली कि ब्रो वो स्टोरी बताना अपना आज का। तो फिर एक लड़की ने सुना, वो लड़की बोली कि ये वो देखो कुछ तो बोल रहा है जो मेरा दोस्त है जो अपोज कर रहा था। तो फिर वो बोला कि आज इधर होटल में कुछ तो हुआ है, वेदांत बताएगा। तो फिर क्योंकि मेरे साथ हुआ था, तो फिर मैंने उधर भी बताया, सबको डर लग गया था वहाँ पे। और तो यही था स्टोरी जो हुआ। अभी जिसको सच समझ है समझो, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा, बट ना ही उधर होटल की गलती, ना ही किसी की, किसी ने मस्ती किया हो तो आई डोंट नो, सच्ची में आई डोंट नो। तो यही था जो हुआ था, बट जो उस टाइम हुआ था ना, क्योंकि रूम पूरा शांत, पूरा फ्लोर शांत, और मैं बाहर देखा कोई नहीं। तब मैं रूम में मेरी इतनी ज़्यादा हई होगी, इतना मेरा डोर ओपन रख दिया था, और मैं डोर के ओपन के साइड एकदम सामने ना एक टेढ़ा ये था, छोटा सा बेड था इसके साइड, सोफा टाइप था विंडो के साइड, तो मैं वहाँ पे बैठा था। फिर 2-3 मिनट बाद सामने के रूम वाले आए, जो मेरे कॉलेज के थे, वो सामने के रूम वाले आए, वो सीनियर से मेरे। तो फिर वो मेरे को देख रहे थे कि ये ऐसे क्यों बैठा है, डोर ओपन रखे एकदम सामने, मतलब अभी सोचा ये डोर ओपन है और मैं यहाँ पे बैठा हूँ ऐसे, इधर मैं बैठा ऐसे। तो फिर और इतना भी डिस्टेंस नहीं था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस था, वो बहुत बड़ा था एंट्रेंस। तो भाई तो यही था जो हुआ था उधर,
अभी जिसको सच समझा समझो, मैं किसी को फॉल्ट में नहीं ले रहा, ना ही कॉलेज को, ना ही किसी को, बस मैं इंसिडेंट बताया जो हुआ था, बट एक्सपीरियंस अच्छा था, कुछ भी बोलो, मतलब कुछ तो था बताने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ है। बट तब जो डर लगा था ना, मैंने जब बाहर देखा मेरे को सच्ची में लगा कि इधर पार्क खड़ा है, क्योंकि वो मस्ती करता है तो मेरे को लगा कि इधर पार्क खड़ा है। मैं इधर देखा इधर कोई नहीं था, उधर देखा उधर भी, पूरा फ्लोर खाली, पूरा जो कॉरिडोर था पूरा खाली। तो यही जो था हुआ था, बस मेरे को इतना ही बताना था, जिसको जो समझा समझो, बॉटल गिरा, तो जिसको जो समझना समझो। मैं मेरा इंसिडेंट के बारे में बताया जो हुआ था, मैं किसी को फॉल्ट में नहीं ले रहा, वापस बोल रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, और क्या व्लॉग्स आएंगे आगे, गाने आएंगे आगे, सब आएगा, तो चैनल पे बने रहना। Oh shit, here we go again.